हेलो फ्रेंड्स, बीनम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड राजमा। ये कश्मीरी स्टाइल में हम बनाएंगे। 2 कप भींगे हुए राजमा ले लिए हैं। इसमें बॉयल करते ही समय हम 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच नमक, 1.5 कप पानी, 1 से 1.5 कप पानी यूज़ कर लेते हैं बॉयल करने के लिए। फिर इसको हम प्रेशर कुकर बंद करके हाई फ्लेम पे रख देंगे। 3 से 4 सीटी आने का वेट करेंगे। तब तक इधर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। 2 बड़े चम्मच हम सरसों के तेल यूज़ कर रहे हैं। जब तक धुआं ना आने लगे तब तक हम उस तेल को गरम करेंगे, नहीं तो कच्चापन रह जाता है तेल का। फिर 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा। जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें फाइन चॉप्ड 2 बड़े प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को हल्का रोस्ट कर लेंगे। प्याज हमारा धीमी आंच पे ही हम भून रहे हैं कि जलने ना पाए, बहुत तेज फ्लेम नहीं रखेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच है। हम इसको कुटनी में ही कूट लिए हैं। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल लें या फिर पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। पर कूटे हुए से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्रेश अदरक लहसुन हम यूज़ किए हैं। चलाते हुए भून लेंगे। इसका लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जी में, तभी हमारी सब्जी अच्छी बनती है। 2 हरी मिर्च हम ले लिए हैं, इसको ऐसे ही खड़ा डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा सा प्याज और लहसुन के साथ भून लेंगे। टमाटर की हम 2 टमाटर की प्यूरी बना लिए थे, प्याज के साथ इसको भी भून लेंगे। और टमाटर में ही हम थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च ऐड कर लिए हैं। मसाले बाद में ऐड करेंगे। देखिए भुनने के बाद कलर अच्छा आ गया है, इसीलिए हम हल्दी और मिर्च टमाटर के साथ ही डाल देते हैं। इससे उसका कलर मसाले का बहुत अच्छा आता है और गरम मसाले की फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम बाद में डालते हैं। 1 चम्मच हम गरम मसाला यूज़ किए हैं। सारी सब्जियों को भून लेंगे अच्छे से। राजमा को हम बॉयल करके रख लिए थे। देखिए ये बिल्कुल कश्मीरी राजमा ऐसे ही रेड कलर के होते हैं। उबलने के बाद थोड़ी से ये ब्राउन हो गए हैं। राजमा हम पूरा अच्छी तरह से उबाल लिए थे, इसलिए उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। इसमें हम गुनगुना पानी ऐड किए हैं। गुनगुना पानी से हमारी कुकिंग प्रोसेस रुकती नहीं है और राजमा बहुत जल्दी अच्छे से पक जाता है और कच्चा भी नहीं लगता है फ्लेवर उसका। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।